जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई सबने मजाक उड़ाया। आखिर में एक दिन आया जो मैं ख्वाब देखता था। सबसे ज्यादा सेंटेंस मैं कौन सा यूज करता हूं? कि आज मंगल के दिन 11 जून 7:50 आज आप टाइम नोट कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह शख्स पाकिस्तान में इंसाफ लाएगा। मैं ये क्यों इतने यकीन से कह रहा हूं? क्योंकि आज तक इस शख्स ने जो कहा है वो करके दिखाया है। चाहे वो वर्ल्ड कप हो, इसने कौम से वादा किया था कि मैं कौम को वर्ल्ड कप जीत के दिखाऊंगा। इसने कौम को वर्ल्ड कप जीत के दिखा दिया। इसने कौम से वादा किया था मैं कैंसर अस्पताल बना के दिखाऊंगा। इसने कैंसर अस्पताल बना के दिखा दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, थोड़ी मुझे बहुत खुशी हुई कि तहरीक इंसाफ का पहला ऑफिस गढ़ी शॉ में खुला। अपनी जेब से पैसे खर्च करके शेरवानी सिलवा देता और इन लोगों को कहूंगा कि जहां से इमरान साहब गुजरेंगे वो कहेंगे वज़ीर आज़म जा रहे हैं। हमारी तलाक इसलिए हुई थी कि वो यहां रह नहीं सकती थी। उसने इन्होंने यार मैं अब क्या बताऊं, इन्होंने उसकी इतनी जिंदगी हराम की जो उस बेचारी से इन्होंने किया। ये शरीफ बरादरान ने जो ये मजलूम बनते हैं, उसको पहले आते साथ यहूदी लॉबी, वो इतनी तकड़ी फैमिली से वहां मुसलमान होके यहां आती है, उसको बुरा भला कहते हैं वहां, और उसके अखबार कहते हैं कि जी बेवकूफ लड़की है मुसलमान हो गई। ये बार जब कोई लीडर अपने मुल्क के लिए खुद ही को दांव पर लगा देता है तो उसका देश भी अपने लीडर के समर्थन में उठ खड़ा होता है। कमोबेश कुछ ऐसा ही माहौल पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उस वक्त बना जब 7 मई को एक चुनावी रैली में इमरान खान 15 फुट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरे और फिर उसके बाद चारों तरफ मच गया कोहराम। मुझे खौफ खुदा है, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है, वोट की फिक्र नहीं है। सब माफिया को मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। मुझे अल्लाह ने ट्रेन किया हुआ है मुकाबला करने के लिए। मैं एक स्पेशलिस्ट हूं मुकाबला करने का। मेरी खेलों की ग्राउंडों में 20 साल ट्रेनिंग हुई है। मुझे हारना भी आता है और जीतना भी आता है, हार के खड़ा होना भी आता है, मुझे मुकाबला करना आता है। और मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कौमी असेंबली में राय शुमारी का अमल मुकम्मल हो चुका है। वजीर आजम कौन होगा? इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। इमरान खान को 176 वोट मिले हैं जबकि शहबाज शरीफ को 96 वोट मिले हैं। ये दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनीगाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हेलीकॉप्टर में आता है। पाकिस्तान के लिए लड़ा हूं, जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो है घबराना नहीं।